ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये लोग हाथी को मांस खिलाने की कोशिश कर रहे थे। मैसेज के मुताबिक ऐसा करने वाले मुस्लिम हैं। साथ में मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा जा रहा है कि हाथी को इस्लाम में बदलने की कोशिश कर रहे थे। इसी दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक पर कई यूजर्स ने पोस्ट किया। ट्विटर पर भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया गया है। तो क्या वाकई में ये लोग हाथी को मांस खिला रहे थे? सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के एक फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च किया। दक्षिण के मीडिया संगठन मातृभूमि ने रिपोर्ट किया कि ये घटना मल्लपुरम जिले में हुई थी। ईटीवी भारत ने रिपोर्ट किया कि एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाकर हाथी के हमले से अपने 4 साल के बेटे को बचाया। ऑल्ट न्यूज ने देखा कि ये वीडियो मल्लपुरम जिले के पजमरंपा गांव का है, जो किजुपरंपा पोस्ट के अंतर्गत आता है। वहां के ग्राम पंचायत के अध्यक्ष साकिया निसार ने हमें बताया कि वीडियो में बच्चे पर हमला करते हुए दिख रही मादा हाथी अब्दुल नासर की है। हाथी का नाम मिनी है। उन्होंने कहा कि केरला में स्कर्वी बेबी बम्प को ठीक करने के लिए हाथियों को नारियल खिलाने का रिवाज है, और इसी वजह से एक बाप बेटी मिनी को नारियल खिलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी मिनी ने उन पर हमला कर दिया। ऑल्ट न्यूज ने इस घटना की सच्चाई जानने के लिए अब्दुल नासर से संपर्क किया। उन्होंने हमें पूरी घटना यूं बताई। करीब 4 से 6 महीने पहले उनका पड़ोसी कुनप्पू अपने परिवार के साथ छुट्टी के दौरान घर आया था। कुनप्पू हाथी को खाना खिलाना चाहता था। उन्होंने हाथी को एक नारियल दिया, लेकिन नारियल बहुत सख्त था और हाथी को ये पसंद नहीं आया। बाद में कुनप्पू का बेटा जोर देने लगा कि वो भी मिनी को खाना खिलाना चाहता है। नारियल देने के लिए हाथ बढ़ाने पर मिनी ने बच्चे और कुनप्पू पर हमला किया था। नबिल कुनप्पू ने भी इस घटना का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया था, जहां से ये वीडियो वायरल हो गया। कुल मिलाकर वीडियो में दिख रहे बाप बेटी हाथी को नारियल खिला रहे थे, न कि मांस। लेकिन इस पुरानी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया।